हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे रितिका ब्लॉग में। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज सुबह हो गई है गाइस, मैंने चाय पी ली है। बाबू को मैंने चाय नाश्ता करा दिया है। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है। आज हमारे यहाँ नाश्ते में बन रहा है पत्ता गोभी और आलू की सब्जी हरी सिंह। और आप लोग कैसे हैं? क्या कह रही थी ये मेरे चेहरे के बारे में? कुछ कह रही थी गाइस, कि मेरा चेहरा वीडियो में अजीब अलग लगता है। ऐसे अलग लगता है, हाँ, कैसे दुबला पतला लग रहा है, ऐसे अलग दिखता है। गाइस, आप इसे समझ लीजिए कि मेरा कैसा है। अच्छा, यहाँ पे बन रही है हमारी आलू पत्ता गोभी की सब्जी। गाइस, बन जाएगी अब। अब यहाँ वो बैठे हैं रिक्शा, आज जगह चेंज हो गई है। यहाँ हमारा वाईफाई आज फिर से खराब हो गया। गाइस, बाबू परेशान है। यहाँ पे गाइस बाबू अपने बुक्स को, अरे कॉपी और बुक्स में लगा रहा है कवर। और यहाँ अपना क्या कर रही है? यहाँ देखिए कृतिका ड्रेसिंग पे तैयार हो रही है। तुम क्या कर रहे हो? गाइस, हो बज गए हैं 4:30 शाम के। अब चाय पीने का टाइम हो गया। तुम्हें दूध लाऊं या फ्रूट्स खाओगे? दूध पीऊँगा तो फ्रूट्स नहीं दोगे? फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। नहीं, फ्रूट्स खाना तो अच्छी रहती है। नहीं तो फ्रूट्स या दूध? दूध का जी इसकी। फ्रूट्स खाना बिल्कुल ही मेरे बाबू को अच्छा नहीं लगता है। जब भी कहो तो मना कर देता है कि नहीं मम्मी, मुझे फ्रूट्स नहीं खाना, मुझे फ्रूट्स नहीं खाना। पता नहीं इसको फ्रूट से क्या दिक्कत है गाइस। ये ऐसा ही है मेरा बेटा। अभी मैंने मशीन में भी कपड़े लगाए थे गाइस ऊपर। कपड़े पे मैंने मशीन में लगाए हैं, उसको चलती हूँ देख लेती हूँ। गाइस, और बताइए आप लोग कैसे हैं? दे दो ये, आ जाओ नीचे। मैंने काटी है पपीता, नीचे आ जाओ। बाबू तो मेरा गुड बॉय है। मैं ये कह रही थी तुम्हें बहन को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, समझा दो। मारना क्या है? ठीक है, समझ गए? नीचे आ जाओ जल्दी। और मैंने पपीता रखी है काट के, ले पपीता लो खा, आ जाओ। आज मैं खा रही हूँ आपको पपीता। मैंने तो बाबू को काट के दे दिया, अब मैं अपने लिए रखी है। अब मैं अपना काटूँगी पपीता, फिर खाऊँगी। बाबू मेरा नाराज़ हो गया गाइस, लग रहा है कि मैंने वो कृतिका को इसने पिटाई लगा दी, अब मैं इसको डांट दी हूँ। अब ये गाइस हो गया नाराज। नहीं मानोगे, नीचे आ जाओ बेटा। मम्मा से कोई नाराज होता है क्या? अभी गाइस हमसे हो गया नाराज। मेरे हस्बैंड जहाँ गए थे कोर्ट में बेल करवाने आसाम, उन्होंने आज उनकी बेल करवा दी। अब उनकी वापसी है, अब आएंगे वो। लेकिन सबसे खुशी की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड सक्सेस हो गए। उन्होंने बहुत रेयर केस था, उसे उन्होंने सॉल्व कर दिया। क्या लगे क्रिटिकल मेरा है कि भैया का है? किसका है ये? इसका नाम बताओ। अरे पीछे मत सोचो, करेंट है, पीछे दिख नहीं रहा मेरे को। कृतिका ने दिया है टकटक टेढ़े मेढ़े, और इनकी मम्मी भी लेके आई हैं। तुम क्या लेके आई हो? टेढ़े मेढ़े। देखिए मुझे कृतिका लेके आई है दिए टेढ़े मेढ़े। ये मुझे बहुत पसंद है, टेढ़े मेढ़े बहुत पसंद। तुमको भी पसंद है? ये देखिए इसका चेहरा, देखिए कैसा बना रही, धूप आ रही है। तुम्हें पसंद है टेढ़े मेढ़े? तो गुस्से में लग रही है, कुछ हुआ क्या? कृतिका इधर देखो, गुस्से में क्यों है? कृतिका गुस्से में लग रही है, टेढ़े मेढ़े खाना है, टेढ़े मेढ़े लेके आई है। इसमें दोनों खा लेंगे, थोड़े थोड़े खा लेंगे। खा लो, क्या हुआ? गुस्सा हो क्या? गुस्सा है, गुस्सा है बाबू। अरे इसको तो गुदगुदी नहीं हो रही, गुस्सा है।
बाबू गुस्सा है, गुद गुद गुद। बाबू पता नहीं क्यों उदास हो गया है, कुछ बोल भी नहीं रहा है अभी तो। आज तो इसकी छुट्टी थी स्कूल की, आज इसके स्कूल की छुट्टी थी, महावीर जयंती थी आज। आज मैं बना रही हूँ चाय, कल बाबू मेरा स्कूल जाएगा, उसके स्कूल की तैयारी भी करनी है, ड्रेस वगैरह सब लगा के रख देते हैं हम। देखिए अब इसके पापा आ जाएंगे एक दो दिन में, उनके केस सॉल्व हो गया है। अगर आपका भी गाइज कोई केस वगैरह अगर किसी का ऐसा मैटर आ जाता है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरे हस्बैंड अच्छे एडवोकेट हैं रोहिणी में, दिल्ली में, वो इंडिया में कहीं भी केसेस देखते हैं, अभी आसाम गए हुए हैं। रेप केस और उनके अपहरण का केस था, उसे डील करने के लिए गए हुए हैं। कृतिका तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी, बस एक ही चाहिए, एक में हो जाएगा। सुन इधर कृतिका, फिर लेके आई, किसके लिए लेके आई थी, किसके लिए लाई थी, गुस्सा है क्या हम लोगों से? अच्छा भैया ने पिटाई की थी इसलिए गुस्सा है, हाँ तो मेरे से भी बात नहीं करेगी। ठीक है जा, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, जा, मैं बुचिया की मम्मा नहीं हूँ, जा। ये मुझसे भी गुस्सा हो गई है, भैया के साथ लड़ाई हुई थी, अब वो मुझसे भी गुस्सा हो गई है। ठीक है जा, मम्मा से बात नहीं करोगी ना, जाओ। अब गाय मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर सुंदरकांड पढ़ती हूँ, इसके बाद शाम की पूजा करके इसके बाद मैं आरती करके इसके बाद नीचे आऊँगी, मेरा पूजा घर ऊपर है गाइज, फिर मिलते हैं पूजा करने के बाद, सुंदरकांड पढ़ने के बाद। सुंदरकांड पढ़ने में मेरा एक घंटा लग जाता है। म्यूजिक बजा रहे हो क्या? क्या नहीं दिखाते, कम कर दो आवाज हमारी नहीं सुनाई देगी है बाबू, कम कर दो आवाज। अभी मेरा बाबू थोड़ा सा म्यूजिक सुन के चेहरे पर स्माइल लाया, नाराज क्यों हो गया तू हैं बाबू, क्यों नाराज हो गया तू, देखो सामने नाराज। मैं आप सभी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, खाली आप हेलो गाइज कर दो। आज बाबू ने आपको हेलो भी नहीं किया, मेरा बाबू क्यों नहीं किया बाबू, पैर पे मत इधर इधर बाबू, मेरा बाबू बाबू मैं उदास हो गया गाइस थोड़ा सा। अब ऐसे करा देखें, ये मेरे को दबा दिया गाइस, बाबू मुझे दबा दिया मुझे दबा दिया गाइस, दबा दिया। मैं क्या दबा, ये हमारा चाय बन रहा है, बन रही है हमारी चाय, तब तक मैं बाबू के ड्रेस को आयरन करके रख देती हूँ, प्रेस करके मैं अलमारी में से निकाल लेती हूँ। बाबू कल फुल ड्रेस पहननी है ना तुम्हें? हाँ फुल पहन, हाँ ठंड हो, यहाँ बारिश हो रही है ना गाय, तो हल्की सी ठंड हो रही है, तो मैं इसका ड्रेस निकाल लेती हूँ और आयरन कर देती हूँ, जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक। गाय मैंने बाबू के अपने ड्रेस को निकाल लिया है, देखिए ये मेरे बाबू का ड्रेस है, कल पहनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी सुबह में। अब मैं इसे आयरन कर देती हूँ, मैं आयरन करते समय बेड पर दूसरा चादर लगा देती हूँ ताकि हमारी चादर चले ना। बाबू का प्रेस कर लेते हैं कि सुबह सुबह ज्यादा काम हो जाएगा। तुमने बैग लगा लिया कल स्कूल जाने के लिए? बैग लगा लिया, थोड़ा सा साउंड कम कर दो। गाइस मम्मी मेरे साथ शाम को चलेगी एक बुक लाने, सोशल पॉलिटिकल लाइफ। बाबू मैं अभी सुंदर कर, मम्मी चलेगी गाइस, मम्मी चलेगी गाइस, गाइस अगर गाइस क्या करेंगे, अगर मम्मी चलेगी तो गाइस इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स होने चाहिए और चैनल पे मैं नहीं जा पाऊंगा, 2 लाख सब्सक्राइबर पे मम्मी चलेगी, 2 लाख की हमारी फैमिली होनी चाहिए तब हम जाएंगे। आवाज कैसी आ गई, ह्यूमन टाइमर लगा था मेरी क्लास। अच्छा तुम्हारी क्लास आने वाली है, ओके क्लास ज्वाइन करो, मैं चाय भी पीऊँगी और अपने कपड़े भी आयरन करूँगी, तब तक मैं बाबू का कपड़े आयरन करती हूँ। गज यहाँ मैंने लगा दिया प्रेस। गाइस अगर 2 लाख लाइक आ गए तो पक्का मम्मी जो है मेरे साथ अभी जाएगी शाम को। अच्छा अच्छा प्लीज, मेरी चाय लग रही है, पक गई है बाबू, स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है अच्छी से, देखती हूँ
देखिए गाइस मेरे चाय बन गए। मैं पता है गाइस मेरी एक आदत है, मैं सुबह में और शाम को चाय बिल्कुल टाइम से पीती हूँ। अब मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरे सिर में बिल्कुल से दर्द हो जाता है और बहुत तेज तेज दर्द होने लगता है गाइस, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। बस दो ही बार मुझे चाय मिल जाए, फिर मुझे टाइम से चाय मिलना चाहिए। ये आदत मेरे को पता है कैसे लगी, ये आदत मुझे अपने ससुर जी के चाय देने की वजह से लगी। अभी मेरे ससुर जी भी गांव से आने वाले हैं मेरी छोटी वाली देवरानी को लेकर, वो गांव गई हुई थी, छोटे वाले देवर की भी शादी हो गई है तो भी आने वाली हैं परसों 6 तारीख की उनकी टिकट है, वो यूपी से आ रहे हैं तो 6 को आएंगे, 7 को यहाँ आ जाएंगे। तो पापा मेरे ससुर जी जो हैं मेरे पापा, वो सुबह में बिल्कुल 5 बजे 6 बजे चाय पीते, तो जब मैं आई मैं बड़ी बहू हूँ तो उनको चाय देते देते मेरी भी आदत लग गई। अब मैं 5 बजे 6 बजे सुबह चाय ना पीऊँ और 4 से 5 बजे के टाइम शाम को अगर चाय ना पीऊँ तो मेरे भी सिर में दर्द हो जाता है। मेरे ससुर जी की वजह से मुझे गाइस आदत लग गई है, अब क्या करूँ। लेकिन ये आदत सही भी नहीं है और सही भी है, पर अगर मुझे घर की चाय ना मिले ना तो मेरे सिर में इतना तेज दर्द हो जाता है, इतना तेज दर्द हो जाता है पूछिए मत। मतलब पेन किलर मुझे खाएंगे तभी मेरा सर दर्द ठीक होता है, खाती हूँ जो। ऐसा मेरा हाल है गाइस, क्या कहें क्या कहें मैं बहुत। और हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है, और हाँ मेरे हस्बैंड की भी आदत हो गई है, और वो तो ऐसे एडवोकेट, उनको ज़्यादा बोलना है, वकील लोग को जानते ही आप लोग, ज़्यादा बोलना पड़ता है तो ज़्यादा बोलते चाय पीते रहते। पर इतनी चाय पीने भी तो सही नहीं है, पर मैं सुबह शाम ही चाय पीती हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ। और मेरे को चाय चाहिए बिल्कुल पकी हुई, खुशबूदार, इलायची अदरक डाली हुई, वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ गाइस। बाबू मैं प्रेस को ऑफ ही कर क्लास अटेंड करोगे, अब मेरा बाबू जा रहा है क्लास अटेंड करने, और मैं अभी पीऊँगी चाय और कब बाबू के ड्रेस को करूँगी आयरन, इसके बाद मैं सुंदरकांड पढ़ूँगी, आरती करूँगी, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। जी हाँ, हो गई है रात और मैं अपने बाबू को खाना खिलाने वाली हूँ। मैं लाई हूँ यहाँ पे कद्दू की सब्जी और रोटी। अब बाबू देखिए बोल रहा है कि मम्मी ब्लॉग मत बनाओ, अभी खाना मत दिखाओ, ब्लॉग मत बनाओ। अब कुछ सब कुछ तो दिखाना पड़ता है ना बाबू, आ जा। देखिए बाबू मेरा गुस्सा हो गया है, इसे एक इसकी बुक नहीं आई है इस वजह से ये गुस्सा हो गया है, और सारी बुक इसकी आ गई है। अब वो दुकान पे वो बुक अवेलेबल भी नहीं है, अब ये जिद कर रहा है कि मम्मी वही बुक मेरे को दिलवाओ, मुझे वो बुक चाहिए बताए। अब मैं इसको ये बुक इतनी रात को कैसे दिलवाऊँ बताइए, ये ऐसी ऐसी जिद करता है गाइस बताइए। बाबू उठो उठो खा लो, देखिए इसका रिएक्शन, देखिए ये बाबू मेरा आ गया, गुस्सा आ रहा है क्या? ये नहीं खाऊं, गुस्सा आ रहा है तो ये नहीं खाऊं। नहीं बेटा सारी सब्जी खाने चाहिए, ये नहीं सब्जी में ना सारे सब्जी खाने चाहिए, जो सब सारी सब्जी खाता है वो स्ट्रॉन्ग बच्चा बनता है। आम का अचार दो। हाँ आम के अचार के साथ खाना, नहीं अगर आप सारी सब्जी नहीं खाओगे तो आपकी आँख खराब हो जाएगी, आपके अंदर विटामिन की कमी हो जाएगी। आम का अचार दो और ये जो है ना की भी कमी, हटा दो रोटी पराठा मेरे लिए बना के लाओ प्लीज, मैं रोटी नहीं खा सकता। तो पहले क्यों नहीं बोली पराठा खाओ, मैं पहले से ही बोलता हूँ, मैं घी लगा दो नहीं, मैं पराठा ही खा, इस पे घी लगा के तवा पे सेक दो, पराठा बना दो वो भी सूखा सूखा रोटी। अब गाइस मैं इसके लिए देखिए रोटी बना के लेके आई, अब कह रहे मम्मी अब मेरे लिए पराठा बना दो, रोटी नहीं खानी। मैं पहले से ही बोला था तुमको पराठा बना दो नहीं तो फ्राई चावल, पहले से बोला था, पहले से कहाँ बोला, मैं अभी रोटी बना रही थी, पहले से थोड़ी ना बताई कद्दू की सब्जी, मेरे को पहले से नहीं बताई, बताएगा अब ये मुझसे बोला रोटी बनाओ मम्मी रोटी। अब यहाँ देखिए बना है सूजी का हलवा, इन्हें मैं बनाया है, ले जा रही हैं खाने के लिए, हम लोग को हलवा उतना पसंद नहीं आता है, इन लोग को हलवा अच्छा लगता है। हम मैं और मेरा बाबू गाजर का हलवा हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस। मेरे को डिब्बे में से शुद्ध घी रखा दे दो, बाबू को चाहिए था हलवा, जा चाची से मांग ऊपर जा, थोड़ा सा बाबू को दे दो, जाओ ऊपर गए लेके, उन्हें लगा हुआ तुम खाओगे नहीं इसलिए नहीं दिया होगा।
खाते नहीं हो ना कभी, जाओ ले लो चाची से पराठा बना। पराठा तो मैं बना ही रही हूँ, गाय जब से चाहिए पराठा। अब बताए मुझे आप, फिर से पराठा बनाने पड़ेगी बाबू के लिए। बाबू मेरा जब गुस्सा हो जाता है ना तो गाय जैसे ही करता है, अब मुझे परेशान करेगा, कहेगा मम्मी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे ही करेगा हरकतें। ये मेरा बाबू है ना। अब मैं यहाँ बना रही हूँ गाय बाबू के लिए पराठे, आटा मैंने भूख के रखा था, अब बना लेती हूँ, बाबू को पराठे दे देती हूँ। बाबू गाय आई है, गाय को रोटी खिला दोगे? गाय आई है, चलो मैं ही देती हूँ, आई है बाहर। देखिए गाइस साढ़े, मैंने सोचा गाय आई है, ले हाँ ले ले। मैं बहुत डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा गाय साढ़ के पास जाने का, मुझे लगा गाय आई है, चलो साढ़ को ही दे देते रोटी, बंद कर देते गए। बाबू साढ़ आया था, लगा था कि गाय आई है पर साढ़ ही था। मैं पहली रोटी ना गाय को देती हूँ और लास्ट वाली रोटी मैं कुत्ते को देती हूँ। गाय बहुत अच्छा रहता है, देना चाहिए, इससे हमारे सारे ग्रह स्ट्रांग होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अगर ख़राब चल रहा हो गाय, आप अगर लास्ट वाली रोटी कुत्ते को देंगे, अगर आपका कुत्ता नहीं आ रहा तो आप ना वो रोटी को किसी भी जानवर को खिला दीजिए, पर खुद मत खाइए लास्ट और पहले वाली रोटी। अगर गाय और कुत्ता आ रहा है तो पहले वाली रोटी को गाय को दे दीजिए और लास्ट वाली रोटी कुत्ते को दे दीजिए। वैसे तो मेरे दरवाजे पे कुत्ता आता है तो मैं लास्ट वाली एक रोटी निकाल के और उसमें तीन चार रोटियाँ मिला के और उसमें दूध डाल के या दही डाल के अपने कुत्ते को दे देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कुत्ते को खिलाना, मैं जैसे खाना खाती हूँ उसी तरह अपने कुत्ते को भी रोटी चावल दूध दही में डाल डाल खिलाती रहती हूँ। मैंने आपको कुत्ते को दिखाया था, वो कुत्ता हमारे दरवाजे से जाने का नाम ही नहीं लेता है गाइस, ऐसे मतलब इतना उसको हमने प्यार दे दिया ना, वो जाने का नाम ही नहीं। यहाँ देखिए बाबू कब बन रहा पराठा, तो मैं इस तरह करती हूँ, मुझे पसंद है गाय और कुत्ते को खिलाना। जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे आप सबको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी, ताकि आप लोगों को भी कुछ अच्छी बातें बता सकें और आप लोग भी कुछ मुझे अच्छी बातें कमेंट में बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाय, हमें सपोर्ट करिए आप लोग और कमेंट भी करिए। मैं बाबू का बना रही हूँ पराठा, देखिए गाइस मैंने बना लिए बाबू के लिए पराठे, अब मैं लेकर चल रहे हैं बाबू को खिलाने के लिए। यहाँ पे मैंने सब्जी रखी थी बाबू का, बाबू मैं ले आई आपके लिए पराठे, चलो खा लो। अब मैं यहाँ कद्दू के सब्जी के साथ बाबू को खिलाऊंगी पराठे। गाइस बाबू मेरा यहाँ पे बैठा है, अब ठीक है, खुश हो? सिर दुख रहा है मेरा, पैरासीटामोल पता है गाजी, बहुत टेंशन मेरा बाबू ले लेता है, अब इसकी भूख नहीं है उसका टेंशन, इसको जल्दी खिला दो, मन नहीं कर रहा मेरा। दवाई बात मत में नहीं खानी, तुमने गुस्सा क्यों किया? मैं दवा नहीं दूंगी, बिल्कुल दवा नहीं दूंगी, बात बात में तुम इतने दिन से दवा खा रहे हो, समझ गए? वैसे सो, मैं अभी तेल लगा देती हूँ सिर में, सो, दवा नहीं खानी है, बाद में दवा नहीं खाई जाती है। बाबू तुम्हारी गलती है, तुमने गुस्सा क्यों किया? हर चीज़ का टेंशन तुम्हारे जिम्मे, दुनिया का खर्चा तुम ही चलाना है। गाइस जिससे मैं समझाती हूँ बार बार कि तुम गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, मुझे दवाई नहीं देनी ना, मुझे दवाई लानी है घर में, लीवर और किडनी पर असर पड़ता है दवा का। गाय जब भी हम खाएंगे पिएंगे बाबू को खिलाएंगे, इसके बाद मैं भी खाऊंगी, फिर इसके बाद थोड़ी स्टडी करूंगी, इसके बाद सो जाएंगे। और अभी तो इनके पापा भी नहीं आए हैं, आज उन्होंने बेल करवा दिए, तो अभी कल टिकट होगा तो शाम से चलेंगे, तो दो दिन लगेंगे, शायद परसों नरसों तक आ जाएँ, देखते हैं। अब इसके बाद फिर
बाबू को भी कल स्कूल जाना है, तो मैं सुबह में बाबू को अपना तैयार व्यार करूँगी। आज जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा गैज। तो मिलते हैं कल, मैं बाबू स्कूल जाएगा उस समय आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, बोलो जय माता दी, बाय बाय, गुड नाइट। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी।